हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश और आप देख रहे हैं गीक माही। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि दोस्तों, अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं अपने मोबाइल पर, तो दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, अगर आप अपने कंप्यूटर से एडिटिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको कुछ ज़्यादा ही भारी लगता है, तो आप मोबाइल से भी एडिटिंग कर सकते हैं एकदम अच्छी तरीके से। क्योंकि दोस्तों, जब मैं अपनी वीडियोज़ को एडिट करता हूँ फ़ोन से, मेरे पास कोई भी अभी लैपटॉप नहीं है, मैं बहुत ही जल्द लैपटॉप परचेज़ करने वाला हूँ, तो उसकी वीडियो भी मैं इस चैनल पर बहुत ही जल्द अपलोड करूंगा। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे वो वाली नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो फिलहाल दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल से एक बढ़िया तरीके से वीडियो को एडिट कर सकते हैं। आप अपने वीडियो में ट्रांजिशन इफेक्ट, टेक्स्ट ऐड करना और फोटो ऐड करना अपने वीडियो पे, ओवरले वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर दोस्तों आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपने यूट्यूब पर वीडियो डालना, अगर आपके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन है मेरी तरह, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, मैं पहले वीडियो से लेकर आज इस वीडियो तक मैं मोबाइल से ही एडिट करता हूँ अपने वीडियोस को। और दोस्तों, मैं कैसे एडिट करता हूँ और क्या क्या मतलब मुझे उसमें ऐड करना पड़ता है, क्या क्या मुझे परेशानी झेलनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो फिलहाल दोस्तों, मैं जिस वीडियो एडिटर का यूज़ करता हूँ, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, वो है यहाँ पर दोस्तों साइबरलिंक पावर डायरेक्टर। हालाँकि मैं काइनमास्टर को भी यूज़ करता हूँ, लेकिन बहुत ही कम यूज़ करता हूँ उसको, तो उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बहुत ही जल्द बनाऊँगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में पावर डायरेक्टर के बारे में बात करने वाला हूं। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं आपकी सुविधा के लिए, अगर आप इसके पेड वर्जन को चाहते हैं, अगर आप इसके पेड वर्जन को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपके वीडियो एडिटिंग में वो छोटा सा पावर डायरेक्टर का या काइनमास्टर का लोगो बन के आए, आपको एक काम करना होगा। आप इस वीडियो को 1000 अगर लाइक कर देंगे, तो दोस्तों मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने पावर डायरेक्टर के वीडियो एडिटिंग में आप उसके लोगो को आप वहाँ से हटा सकते हैं, वो भी बिना किसी प्राइस के। दोस्तों, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, हालांकि वो तो तरीका थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन दोस्तों अगर जैसे ही इस वीडियो पे 1000 लाइक पहुंच जाते हैं, तो दोस्तों मैं आपको वो तरीका भी बता दूंगा। तो जल्दी कीजिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लाइक बढ़ेगा। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए, ताकि जैसे ही 1000 लाइक कंप्लीट होते हैं, और आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा, अगर आपको वो तरीका जानना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बातें हो चुकी इस वीडियो में ऑलरेडी, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं आपको एक एक तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हैं अपने फ़ोन से, वो भी बिना परेशानी के, बिना किसी मशक्क़त के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हैं इस एक एप्लीकेशन की मदद से, जिसका नाम है साइबरलिंक पावर डायरेक्टर। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आप टैप कर लीजिए। फिर उसके बाद जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे, तो आपसे यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो पूछा जाएगा। फिलहाल मैं एस्पेक्ट रेशियो 16:9 का रखता हूँ, आप चाहें एस्पेक्ट रेशियो 9:16 का भी रख सकते हैं, अगर आपको इस फॉर्म में वीडियो को एडिट करना है तो। फिलहाल मैं इसको 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो पे रखता हूँ। फिर मुझे यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम ऐड लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ डायरेक्ट, ओके। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो को चूज़ कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे किसी जिस वीडियो को एडिट करना रहेगा, उसको मुझे यहाँ पर से जाकर चूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर दोस्तों चला जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इस वीडियो को चूज़ कर लेता हूँ जहाँ पर 4K लिखा है। दोस्तों, आप इसमें 4K तक के वीडियो को भी शूट कर सकते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद वाली बात है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसमें जाएंगे, तो दोस्तों आपको यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ये आपको टाइमलाइन दिख रहा होगा दोस्तों, इसको कहते हैं टाइमलाइन। तो दोस्तों, आप इसको जितना बड़ा खींच कर करना चाहें उस हिसाब से कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये मेरा वीडियो है, और यहाँ से दोस्तों ये है प्ले पॉज का बटन, ये है सेटिंग का बटन। यहाँ से आप चाहें तो अपने वीडियोस को, जैसे ही आपका वीडियो एडिट हो जाए, उसको यहाँ पर से जाकर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी गैलरी में, या आप अगर चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली ही अपने YouTube, Facebook पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं एक होम का बटन, इसको करेंगे तो आप सीधा होम पर चले जाएंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये, तो आप चाहें तो यहाँ से इस पर आप अगर इस पर टैप करेंगे, तो आप यहाँ पर इस टाइमलाइन पर आप किसी वीडियो या फ़ोटो को
ऐड कर पाएंगे। अगर इस पर आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर सेकंड लाइन में किसी भी वीडियो या ऑडियो फाइल को आप ऐड कर पाएंगे या टेक्स्ट फाइल को आप ऐड कर पाएंगे। फिर उसके बाद ये है बैक फॉरवर्ड। फिर उसके बाद चलिए मैं आपको यहाँ पर मैं कट और ट्रिम करने का तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने फुटेज को कट और ट्रिम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर टाइमलाइन तो देख ही रहे होंगे। फिर उसके बाद देखिए जैसे मैं यहाँ पर वीडियो को प्ले करता हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से कटिंग करना है तो दोस्तों मैं यहाँ पर सिंपल सा टैप करता हूँ, मुझे जहाँ से भी कटिंग करना होगा तो मैं यहाँ से जाकर 11.4 से यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे होंगे स्प्लिट का, स्प्लिट पर आपको टैप करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों कि ये जो आपकी फ़ाइल है वो यहाँ से अलग हो गई है। तो एक सेकेंड, तो दोस्तों आप यहां पर देख पाएंगे कि आपकी जो फाइल है यहां से अलग हो चुकी है। फिर आपको जितनी लंबी कटिंग करना है फिर आप यहां से जाकर फिर से आपको यहां पर स्प्लिट के ऑप्शन पर टैप करना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे यहां पर 18 सेकंड में मुझे इसको कट करना है तो मैं यहां से इसको टैप करूंगा। फिर आप यहां पर देख पाएंगे दोस्तों कि जिस पोर्शन को आप कट करना चाहते हैं वो यहां पर आ चुका है। इतने पोर्शन को अगर आपको कट करना है तो सिंपल सा आपको यहां पर डिलीट के, फिलहाल मैं इसको पहले आपको प्ले करके दिखा देता हूं। तो पहले मैं आपको पूरी फुटेज प्ले करके दिखा देता हूं कि ये देखिए। तो हाँ, ये आपने देखा ना। तो दोस्तों मैं यहाँ से इस चीज़ को जिसको मैंने सेलेक्ट किया है मैं इसको यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन पर टैप करूँगा तो आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों कि जिस पोर्शन को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया था वो अब यहाँ से हट चुका है। तो दोस्तों जैसा ही मैं आपको यहाँ पर वीडियो प्ले करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो पहले वाला पोर्शन था अब वो यहाँ पर से हट चुका है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जो पहले वाला पोर्शन था वो अब यहाँ से हट चुका है। तो ये तो हो गया दोस्तों कट और ट्रिम करने का तरीका। अब मैं यहाँ पर आपको ट्रांजिशन और इफ़ेक्ट ऐड करना बताऊँगा कि किस तरीके से आप इन दोनों वीडियो फुटेज के बीच में आप ट्रांजिशन और इफ़ेक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपको जहाँ पर भी अपने ट्रांजिशन या इफ़ेक्ट को ऐड करना होगा आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल रहे होंगे। फिलहाल दोस्तों मैं इसका पेड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर किसी एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया हूँ। फिर मैं आपको यहाँ पर इसको इस ट्रांजिशन को, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जिस ट्रांजिशन को मैंने यहाँ पर ऐड किया था ये देख रहे होंगे आप, उसका ट्रांजिशन यहाँ पर बनकर आ चुका है। तो बहुत ही सिंपल था दोस्तों, इस तरीके से कुछ इस तरीके से आप इसके ट्रांजिशन को इसके वीडियो के बीच में ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको एक और ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि फिर से मुझे वही ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। फिर से मैं किसी को सेलेक्ट करता हूँ, फिर आपको मैं यहाँ पर प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो ऐड हो चुका है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि किसी वीडियो के फुटेज में आपको अगर किसी फोटो या वीडियो को ऐड करना होगा तो किस तरीके से आप ऐड कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पर सिंपल सा इस ऑप्शन पे चले आना है। फिर मान लीजिए आपको किसी वीडियो को अगर ऐड करना है इसको कहते हैं दोस्तों ओवरले। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर कोई ओवरले करना होगा तो आपको यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी वीडियो को ऐड करना हो तो सपोज कर लीजिए ये हो गया वीडियो, मैं यहाँ से इसको ऐड कर देता हूँ। फिर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि अब मैं यहाँ पर इसको साइड में रख देता हूँ। फिर दोस्तों मैं यहाँ पर जाकर वीडियो को प्ले करता हूँ, फिर आप यहां पर देख पाएंगे दोस्तों कि जो मैंने यहां पर वीडियो को ऐड किया था वो यहां पर अब चल रहा है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे दोस्तों साइड में। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप इसमें चाहे तो अपने फ़ोटो को भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको फ़ोटो ऐड करने का भी तरीका बता देता हूँ। सिंपल सा वही ऑप्शन आपको फिर से टैप करना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे ये फ़ोटो यहाँ पर ऐड करना है तो मैं यहाँ पर इसको सिंपल सा टैप करके इसको चाहूँ तो यहाँ पर लगा सकता हूँ। फिर आपको मैं फिर से वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपका जो भी आपने ओवरले ऐड किया होगा वो किस तरीके से आपके वीडियो फुटेज में आएगा। तो आप यहां पर देख पाएंगे दोस्तों ये मेरा हो गया वीडियो, ये मेरा हो गया फोटो।
तो कुछ इसी तरीके से आप चाहें तो इसमें म्यूजिक को भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने वीडियो फुटेज में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट को ऐड करने के लिए मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर कुछ लिख कर दिखाना होगा तो सिंपल सा आपको इस ऑप्शन पर टैप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जिस स्टाइल में भी टेक्स्ट को ऐड करके दिखाना है तो आपको यहाँ पर सिंपल सा इसको प्लस के ऑप्शन पर टैप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मान लीजिए मुझे अपना चैनल का नाम यहाँ पर दिखाना है तो मैं यहाँ पर सिंपल सा टैप करूँगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों कि इसके चाहे तो आप फॉन्ट्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, तो कलर वगैरह को भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जिस टेक्स्ट को ऐड किया है वो टेक्स्ट अब यहाँ पर दिखना शुरू हो गया है और जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा वो मेरा टेक्स्ट भी हट जाएगा। तो दोस्तों किस तरीके से आप इसमें टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने फ़ोटो में से बैकग्राउंड को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों आपने कई सारे यूट्यूबर को देखा होगा कि उनके जो बैकग्राउंड में फ़ोटो होती है वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट चलती रहती है, तो वो भी तरीका मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी जिसके भी बैकग्राउंड को आपको रिमूव करना है, सिंपल सा आपको यहाँ पर टैप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर वीडियो में आना पड़ेगा। आप चाहें तो वीडियो और वो वीडियो और फ़ोटो दोनों को यहाँ से हटा सकते हैं। फिलहाल मैं यहां से इसको ऐड करता हूं। फिर आप यहां पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे दोस्तों जिसके भी बैकग्राउंड को मुझे रिमूव करना है वो मैंने यहां पर ऐड किया है, आ चुका है और इसके बैकग्राउंड को मुझे रिमूव करना है। ये देख सकते हैं आप, ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको मुझे यहां से रिमूव करना है। तो मैं चाहता हूं कि इसके बैकग्राउंड से ये जो ग्रीन ग्रीन है वो हट जाए, तो मुझे सिंपल सा यहाँ पर टैप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर क्रोमा की पे जाकर फिर उसके बाद इस पर टैप करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों इसके बैकग्राउंड से जो भी फ़ोटोज़ थी वो अब हट चुकी हैं, अब आपको ग्रीन ग्रीन कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको दोस्तों कहते हैं क्रोमा की को रिमूव करना। और दोस्तों अगर आप ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं अपने वीडियो में तो अगर आप चाहें तो अपने बैकग्राउंड से भी इसी तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने बैकग्राउंड से भी क्रोमा की को डिलीट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि बैकग्राउंड से इसके ग्रीन स्क्रीन हट चुकी है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, उसमें ओवरले टेक्स्ट इफेक्ट जो भी आप चाहें उसको ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों फाइनल बारी आती है कि किस तरीके से जो भी आपने वीडियो को एडिट किया है उसको एक्सपोर्ट करना है। तो दोस्तों सिंपल सा यहां पर आप ऑप्शन पर टैप करना है। अगर आपको उसको यूट्यूब पर शेयर करना है तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी उसको यूट्यूब पर शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर सेव गैलरी पर जाकर आपको यहाँ पर 4K फुल HD 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 जो भी आपका मन करे उसको उस फॉर्मेट में आप इसको रेंडर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फुल HD में करता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ। ये कुछ सेकंड बाद दोस्तों ये रेंडर होकर मेरे पास इसकी वीडियो बनकर आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप दोस्तों अपने वीडियो को एडिट कर पाएंगे। दोस्तों फाइनल वीडियो रेंडर होकर आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर आपको सीधा सीधा जाकर अपने गैलरी से प्ले करके दिखाता हूँ जिस फुटेज को मैंने एडिट किया है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों कि जो मेरा फुटेज था वो फाइनल बनकर तैयार हो चुका है और मैं आपको यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ कि जो फुटेज मैंने एडिट किया है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो भी मैंने इफ़ेक्ट और टेक्स्ट वगैरह को ऐड किया था, ये आप देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट को ऐड किया था पहले, वो आ चुका है। फिर ये इफ़ेक्ट बनकर आ चुका है, ये वीडियो बनकर आ चुका है। अब फिर उसके बाद आप यहाँ पर से देख सकते हैं दोस्तों जो मैंने ग्रीन स्क्रीन को हटाया था वो यहाँ पर बनकर आ चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों मेरा फोटो भी आ चुका है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर आप पहली बार अगर पावर डायरेक्टर को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पर वाटरमार्क देखने को मिल रहा होगा, लेकिन दोस्तों अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो वो तरीका मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर बता दूंगा। लेकिन जैसे ही दोस्तों मेरे इस वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे मैं वो तरीका भी आपको ज़रूर बताऊंगा। उसके लिए आपको प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर करना होगा ताकि जल्दी से जल्दी मेरा 1000 लाइक कंप्लीट हो जाए। और साथ ही साथ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वाली नोटिफिकेशन भी आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे।